अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं ये देखिए येलो कलर का ऊन है, इसी का हम तोरण डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से गांठ लगा के हम यहाँ 20 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम यहाँ 3 चैन ऊपर का छोड़ेंगे और चौथे चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, तो हर चैन में मुझे 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने पूरा बना लिए हैं और अब हम यहाँ चैन लेंगे, 1 2 3 3 चैन लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया होगा, 1 चैन लेंगे और फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 5 डबल क्रोशिया, फिर 6, फिर 2 चैन लेंगे और 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले में हम यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही चैन में नीचे वाले में हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ फिर से 2 चैन लेंगे और नीचे का 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे। पांच हो गया, और ये 6 हो गया। तो यहाँ पर भी हमने 6 किया, यहाँ पे 6 किया, यहाँ 4 किया और ये 2 अलग किए हैं। अब हम यहाँ 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के बराबर में। तो 6 डबल क्रोशिया करना है मुझे यहाँ, यहाँ हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और ये जो 4 था मैं तो इधर करूँगी, 2 इधर करूँगी, बीच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशिया पर 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया पर 1 चैन, 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 5 हो गया है,
इस तरह से 6 हो गया है। अब यहाँ हम दो चैन लेंगे और यहाँ यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ, तो ये भी 6 हो गया है। अब यहाँ हम एक चैन लेंगे और ये जो है इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चैन लेकर फिर एक चैन लेंगे और ये जो आखिरी वाला है चैन वाला, ये इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ इस तरह से, फिर एक चैन और इसमें बनाना है 2, फिर एक चैन यहाँ पर भी, फिर एक चैन लेकर पट्टी बनाना है। पट्टी के लिए हमने किनारे पे 6-6 डबल क्रोशिया किया है, तो इसी तरह से बना लेते हैं। बहुत ही मेहनत लगती है और आप लोगों से मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो देख के मत जाइएगा। 1-2 चैन लेंगे, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, तो यहाँ 5 डबल क्रोशिया बना है, फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पर मैं नीचे 6 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, उसके ऊपर भी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ नीचे बना लिए 6, फिर ऊपर भी 6, अब यहाँ हम 2 चैन लेंगे और ये जो है इसमें हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। आपको अगर बनाना है तो आप भी 6 या 5 बना सकते हैं। पांच हुआ 6, अभी फंदा निकाल के यहाँ क्रोशिया यहाँ डाल के और नहीं तो आप ये पहला वाला जो है चैन यहाँ ले लीजिए और इस तरह से खींच लीजिए, ये एक पॉपकॉर्न बन गया है। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन और यहाँ पर भी मुझे उसी तरह बनाना है जिस तरह से अभी बनाया है, 6 डबल क्रोशिया करके, 3-4-5-6, फिर हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से पहले बनाए हैं इस तरह से। तो मैं ये
दो और बनेगा तो ये भी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो हमने कोकोन भी बना लिया है और पट्टी वाला ये छेडेबल क्रोसिया भी बना लिया है। फिर यहाँ हम एक चैन लेंगे और ये जो है चैन, यहाँ दो डबल क्रोसिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर इसमें एक चैन, एक चैन के बाद फिर डबल क्रोसिया, फिर यहाँ पर दो, फिर यहाँ हम चैन लेंगे तीन घुमा के, फिर यहीं पहले वाले चैन में डबल क्रोसिया, फिर एक चैन, ये एक एक बढ़ते हुए जाएगा। तो यहाँ देखिए एक और बना लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ। ये जो है ये भी है उसी में से, यहाँ पर भी दो है, फिर यहाँ एक चैन लेकर अब यहाँ से पट्टी शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए पहले वाले में हमने इस तरह बनाया है, यहाँ पर एक हुआ, ये और ये मिला के दो हुआ, फिर यहाँ ये तीन हुआ, फिर यहाँ इसको लेकर चार हुआ, यहाँ इसको लेकर पांच हुआ, इसी तरह से पांच छः सात आठ होते हुए ये बढ़ता हुआ जाएगा यहाँ, और ये पट्टी का सीधा जाएगा, इधर से समझ में आएगा, ये पट्टी का सीधा जाएगा और ये भी। तो मैं इसको भी बताती हूँ, अब यहाँ हम दो चैन लेंगे, दो चैन लेने के बाद ये यहाँ का दो कोकोन है छोड़ेंगे, एक इधर का, एक दूसरे वाले चैन में, यहाँ चार डबल क्रोशिया एक साथ करना है, फिर दो चैन, चार डबल क्रोशिया हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पट्टी बनाना है, पट्टी बना लेती हूँ, पट्टी तो सीधा ही बनाना है छः डबल क्रोशिया का। अब यहाँ फिर से ये देखिए छः डबल क्रोशिया यहाँ बना था, इसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा, जिस तरह से ये डिजाइन नीचे का बना है उसी तरह से ऊपर भी बनेगा। तो यहाँ बीच में से लेंगे एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से छह बनाएंगे। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, जिस तरह से नीचे बना इसी तरह से ऊपर ये पट्टी पूरा बनते हुए जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये एक एक बढ़ेगा। फिर ये पट्टी जब ये एक दो ऐसे करके चार हो जाएगा, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमने इस तरह से बना लिया, चार फ्लावर हो गया है और ये बढ़ के इतना हुआ है। अभी हम चैन लेंगे, और यहाँ चार डबल क्रोशिया करेंगे, एक
तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन लेंगे, एक दो तीन चार, ये यहाँ पर भी हम चार डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार, तो इसी तरह से हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए इस तरह से छोड़ छोड़ के इतना, तो यहाँ चार चार डबल क्रोशिया बना लिए हैं, आठ आठ चैन है। और अब हम यहाँ पट्टी बना लेते हैं। ये पहले चार है, फिर छः है, फिर इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा, नीचे बता चुकी हूँ। और ये जिस तरह से ये एक दो तीन बढ़ते हुए इतना हुआ है, इसी तरह से ये भी हम बढ़ाएंगे। और ये जो बना है, ये फूल जो बना रहे हैं, ये इसके जैसा बनेगा, चार फिर छः इसी तरह से, अभी चार फिर छः होगा, फिर एक एक डबल क्रोशिया एक चैन रहेगा, और फिर उसके बाद में ये वो कोन बनेगा। एक दो दो तीन चार पाँच छः, नीचे हम आठ चैन लिए थे, ऊपर छः चैन छोटा होते जाएगा, अपने हिसाब से छोटा कर लेना। हम छः चैन यहाँ लिए हैं, छः डबल क्रोशिया, चार हो गया, पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसी तरह से हम बना लेते हैं। जिस तरह से ये है फ्लावर, इसी तरह से सेम बनेगा, यहाँ पर भी बना के फिर दिखाते हैं। तो इस तरह से बनके तैयार हो गया है। तो चार यहाँ पे है और चार चार इस तरह से भी है, तो ये बनके तैयार हो गया। अब यहाँ मैं यहाँ धागा कट कर ली हूँ, अब यहाँ से शुरू करेंगे। जिस तरह से हम यहाँ से शुरू किए थे, तो इस तरह से बनके तैयार हो गया है। इस तरह से यहाँ पट्टी में बताए थे, उसी तरह से यहाँ फ्लावर बना है। यहाँ धागा कट करके अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से। अब ये यहाँ पर नहीं बनाना है, अब यहाँ से फिर बनाना है। बना लेते हैं पूरा, फिर दिखाते हैं। तो इस तरह से बनके तैयार हो गया है। ये अभी हम दो बनाए हैं, इसी तरह से पांच बनेगा, तीन और बनेगा, दो तैयार हो गया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस तरह से पैटर्न भी बना लिए हैं।